राइट है, जहां से हो सकता है मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करे, वेट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं मार्केट का मूवमेंट चेक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इसमें आधा घंटा लगेगा, एक घंटा लगेगा, लेकिन एक सबर रखना बहुत जरूरी है, राइट? पेशेंस रखना जरूरी है या नहीं है, राइट है? मेरी क्वांटिटी कितनी हो रखी है आप चेक कर सकते हो, मेरी ऑप्शन की क्वांटिटी कितनी हो रखी है, 60 हो रखी है, राइट है? आराम से बैठे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी रख के बैठे हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हम इसको निकालेंगे, अभी आराम से बैठे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो निफ्टी बैंक अब चलने लगा हल्का हल्का ऊपर, क्या मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट पकड़ा, राइट है? यस सर, यहां पर एक पॉइंट को नोट करते हैं, यहां पर देखो ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था, क्या मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर वापस आ गया नीचे जाने के बाद? अच्छा साइन नहीं, अच्छा साइन नहीं है हमारे लिए, यस सर, राइट? ये हमारे यस लिए सर, अच्छा साइन है कि मार्केट का एक सपोर्ट लेवल वापस आया, ये हमारे लिए अच्छा साइन है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं यहां पर कि मार्केट करेगा क्या, थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या करना है मार्केट को। मार्केट अभी अभी सपोर्ट लेवल के ऊपर आया, अब मार्केट को ऊपर चलना चाहिए या नहीं? लेकिन एक पॉइंट नोट करें, क्या मार्केट को अब एन वेव बनानी चाहिए पॉजिटिव वाली, यस या डायरेक्ट यस ऊपर भाग जाना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए? सर, एनवे एन बनना वेव चाहिए। बननी चाहिए, राइट? एन वेव बननी चाहिए। डाउन की एन वेव तो देखो हमारी बनी है, डाउन की एन वेव तो बनी, क्या आपकी एन वेव कोई बनी है? कोई भी नहीं बनी। तो हमारा ये वाला कौन सी वेव होगी, ये हमारी है फर्स्ट वेव, इसको हमें जाने देना है या नहीं, इसको ट्रेड नहीं करना है, यस सर, राइट है? इसको ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट जब दोबारा नीचे आएगा इसके ऊपर जाएगा, इसको हम ट्रेड करेंगे कि नहीं? यस सेकेंड थर्ड, थर्ड वाली वेव को हम ट्रेड करेंगे, अभी रुकते हैं मार्केट में, इसको चलने देते हैं, आराम से तसल्ली से ऊपर चलने दो जहां पर जा रहा है, राइट है? अगर इसके ऊपर निकल के बैठ जाएगा, अगर बाई चांस ये इसके ऊपर निकल के बैठ जाता है, मतलब एन वेव के ऊपर निकल के बैठ जाता है, तब हम डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे जाएगा तो एन वेव बना के ऊपर जाए तो हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम इसका ट्रेड नहीं करेंगे, राइट है? ट्रेड चल रहे हैं, ट्रेड मैंने हटाए नहीं है, देखो वहीं पर चल रहे ट्रेड, और मार्केट अब ऊपर चलने की तैयारी में है, इसमें से कुछ प्रॉफिट बुक होना चाहिए या नहीं, यस और नो, कर लेना चाहिए यस, या नहीं करना चाहिए, बताओ? करना चाहिए, करना कर चाहिए, राइट है? अभी देखो हमारा टारगेट कहां पर लगा हुआ है, 590 पर एक लॉट लगा हुआ है और 600 पर, 10-10 पॉइंट के डिफरेंस पे लॉट लगाए कि नहीं, राइट है? और अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो मैं 615 पे एक लॉट और लगा देता हूँ, 615 पे मेरा एक लॉट और निकलेगा, राइट? 615 या 620 पे लगा ले, मैं 15 पे लगा देता हूँ, 615 पे एक लॉट मेरा और निकल जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तीन लॉट मैंने अलग अलग लगा दिए, एक लॉट मेरा बचेगा, राइट है? अभी मार्केट में इसके ऊपर भी हम पांच क्वांटिटी और ऐड कर रहा हूं, पांच क्वांटिटी मैं देखो और ऐड कर रहा हूं, तो अब हो गई है मेरी 55, ये चल रहा है 60 क्वांटिटी के साथ में, ठीक है? और मार्केट अभी प्लस में ही है, चल रहा है मार्केट आराम से, अभी हमने इसका कुछ नहीं किया, ये मेरी पहली वेव है या नहीं है, नीचे कर देता हूं इसे, ये कौन सी वेव है, फर्स्ट वेव जा रही है कि नहीं ऊपर की तरफ यस सर, जा रही यस है, इसे छेड़ना नहीं, हमें छेड़ना नहीं है, नहीं सर, अगर ऊपर जाना है तो इसके ऊपर निकल जाएगी, राइट है? छोटे से छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, ये देखो मार्केट ऊपर गया, कम से कम इसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट को या नहीं, कम से कम, ये कम से कम है, सबसे कम, जाना तो एन वेव के ऊपर चाहिए, लेकिन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट छोटा सा यहां पर लिया है और लास्ट रिट्रेसमेंट मार्केट का यहां से हुआ है, तो मार्केट को इसके ऊपर मिनिमम निकलना चाहिए, आपको लगता है कि इसके यहां पर मार्केट एन वेव बना के इसके ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, यस सर, यस और नो? यस सर, एन वेव बना के ऊपर निकले तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट? देखो क्या मार्केट ने यहां पर अपना रेजिस्टेंस पकड़ा है, पॉइंट को नोट करो, क्या मार्केट यहां पर अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है? इसके ऊपर निकल सकता है फिर मार्केट, टारगेट क्या होगा, कोई भी बता दे इसका टारगेट क्या होगा, जल्दी से, इसका हाई सर, टारगेट हाई अगर ये, अगर ये यहां से निकलता है तो इसका टारगेट यही है या नहीं, राइट यस सर, यस सर, है? ये टारगेट है इसका, देखते हैं, देखो आपके सामने जा रहा है मार्केट,
85-90 पे हमारा ये निकल जाएगा, एक लॉट 90 पे निकलना है कि नहीं, लगा हुआ है 90 पे, तो एक लॉट अपने आप निकालेगा 90 पे, अभी 85 चल रहा है, 90 अपने लगा रखा है, अगर 90 पे जाएगा अभी ऊपर, देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक ये देखो एन वेव बन रही है, ये मार्केट का सपोर्ट है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस, एन वेव बना दी मार्केट ने, यानी एक वेव पूरी हुई, अब ये दूसरी वेव सेकंड, हमने बोला फर्स्ट वाली पे काम नहीं करना है, सेकंड वाली को ऑब्जर्व करना है, अब ये शूट करनी चाहिए ऊपर या नहीं, अगर प्राइस एक्शन है तो राइट, अब ये इसके ऊपर चली जानी चाहिए, अब वेट करते हैं कि इसके ऊपर जाती है या नहीं जाती, इसके ऊपर वेट करें थोड़ा सा, ट्रेड आराम से किए जाते हैं, ट्रेड हड़बड़ी में नहीं होते कि जल्दी से बाय कर लिया जल्दी से सेल कर लिया, आराम से उसे चलने दे, राइट है, मार्केट अपने सपोर्ट को फॉलो करेगा, ऊबे करेगा, जाएगा तब ऊपर आराम से, अभी देखो क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या नहीं, देखिए हमें इस ऑप्शन को मैनेज करना है कि नहीं, मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूं, देखो आपके सामने हो गया आधा घंटा चलते हुए, पौना घंटा होने वाला है और हम ऑप्शन को रखे बैठे हैं, और देखो नीचे मेरा कोई एसएल भी नहीं है, मार्केट अगर नुकसान देगा तो मेरे को बड़ा नुकसान देगा, देखो एसएल मेरा कोई नहीं है, टारगेट ही लगे हैं केवल, एसएल नाम की चीज ही नहीं है मेरे पास, मैं लगाता ही नहीं एसएल, राइट है, एसएल के साथ आगे सबसे गलत चीज है, नहीं करना चाहिए ऐसे, मगर मैं एसएल नहीं लगाता हूँ, ठीक है, मेरे पास एसएल नहीं है क्योंकि मैं स्टॉक को मैनेज करता हूँ नीचे से, हमेशा मैं मैनेज करूंगा नीचे, अभी देखो चल रहा है, मैं ऊपर भी बुक कर सकता था पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर है, नीचे से मैं कुछ और बाय कर लूंगा, अगर नीचे आएगा तो मैं और भी बाय कर लूंगा, इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है प्लीज कोई भी बता दे मेरे को, इसका सपोर्ट लेवल नेक्स्ट कौन सा है अगर मार्केट नीचे आता है तो, क्या ये वाला सपोर्ट लेवल है? यस सर, यही है, मल्टीपल सपोर्ट, राइट ना, हालांकि जाएगा नहीं वहां तक, लेकिन अगर जाने लगा तो मार्केट का सपोर्ट लेवल ये है, यहां पर मेरे को कुछ बाय और करने पड़ेंगे, राइट है, कुछ बाय आप इसको मैनेज करने के लिए रखिएगा, मतलब क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर 60 क्वांटिटी बाय की है तो कम से कम 120 क्वांटिटी में यहाँ बाय करने वाला हूँ, राइट है, जितनी क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर चल रही है उसकी डबल क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर बाय होंगी, तब मार्केट मेरे को एक अगर लॉस हो रहा है तो लॉस से निकाल देगा, इस बात का ध्यान रखना, मार्केट ये करता है, तो आप मेरे को थोड़ी देर मार्केट को छोड़ना चाहिए या नहीं बताओ, यस और नो, छोड़ना चाहिए, यस, अभी आराम से आने दीजिए और देखिए मार्केट अपना वेव कहां से बनाता है, अब अगर मार्केट मेरे को सपोज लॉस दे रहा है, देखो मैंने इसको बुक नहीं किया अभी और मार्केट चल रहा है यहां पर, अब मेरे को कौन से सपोर्ट पर बाय करनी चाहिए प्लीज बताएं, कौन सा सपोर्ट है बाय करने के लिए, बैंक निफ्टी का नीचे वाला, नीचे यही सपोर्ट है, या फिर दूसरा तरीका एक और है आपके पास, एक और तरीके को समझे, अब मैं दूसरे तरीके से क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में जाके एन वेव चेक कर सकता हूँ या नहीं, राइट, यस सर, छोटे टाइम फ्रेम में एक मिनट पे भी जाके मार्केट की एन वेव कहां पर बन रही है, अब बताएं कौन सी एन वेव बनी है, जरा ध्यान से चेक करके बताएं अब कौन सी एन वेव बनी हुई है, लास्ट रैली के ऊपर सर, लास्ट रैली के ऊपर ये वाली एन वेव गई है कि नहीं, इसके ऊपर मार्केट को आना चाहिए या नहीं, यस सर, आना चाहिए, तो जब मार्केट इसके ऊपर आएगा तब मैं अपना एक बाय करूंगा, राइट है, दूसरा तरीका ये, या तो आप नीचे सपोर्ट पे आने दो मार्केट को, सपोर्ट पे आ जाए सपोर्ट से उठने लगे तब बाय करो, या फिर बीच में कहीं पर भी आपका मार्केट अगर एन वेव के ऊपर चलता है तो मैं वहां बाय करूंगा, तो इस समय मार्केट को अगर बाय होनी है तो मिनिमम इसके ऊपर बाय, राइट है, कम से कम इसके ऊपर बाय होगी, अब यहां पर ढूंढिए सपोर्ट कौन से, सपोर्ट यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं जरा प्लीज एक मिनट में चेक करके बताइए, क्या यही एक सपोर्ट बन सकता है, क्या मल्टीपल सपोर्ट है ये, हाँ या ना, यस सर, यस सर, है, यस सर, लेकिन आपको ये चेक करना है खाली मल्टीपल सपोर्ट होना कोई क्राइटेरिया नहीं है, मेरे को बताएं अगर मल्टीपल सपोर्ट है तो सपोर्ट के बाद ऊपर भी मार्केट चलना चाहिए या नहीं, यस सर, भाई खाली सपोर्ट ही थोड़े ना, अगर माना कि सपोर्ट है तो सपोर्ट के बाद ऊपर भी तो चलना चाहिए मार्केट, क्या मार्केट ऊपर चला यहां से, अभी नहीं चला ना, रिजेक्शन लेके ऊपर भी तो जाना चाहिए तभी तो मैं मानूंगा ये सपोर्ट है, वेट कीजिए थोड़ा सा, क्या मार्केट चलना शुरू हुआ ऊपर देखे, यस सर, क्या ग्रीन हुआ, नहीं सर, नहीं हुआ अभी, इसका मतलब क्या मेरा मार्केट ने सपोर्ट पकड़ लिया, अभी नहीं पकड़ा, नहीं आया ना, पॉइंट समझे, अभी आपका मार्केट के अंदर सपोर्ट नहीं आया है,
अब अगर इसके बाद कैंडल ग्रीन हो जाती है, कैंडल ग्रीन होने के बाद पिछली वाली कैंडल के ऊपर चलती है, तब कोई एक हल्का सा सपोर्ट माना जाएगा कि नहीं? राइट है, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, क्या सपोर्ट है अभी बताए? बन गया सपोर्ट? नहीं बना, मैं वेट करूंगा यहां पर, यानी सपोर्ट बनने की या नहीं? देखिए क्या सपोर्ट के ऊपर चला गया मार्केट, देखो अगर ये सपोर्ट है तो इसके ऊपर जाना चाहिए मार्केट को या नहीं? यस, ये कैंडल ऊपर जानी चाहिए, अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट को मार्क करो कि सपोर्ट मार्किंग कैसे होता है। ऐसी सपोर्ट नहीं है कि नीचे आया सपोर्ट मार्क हो गया। अब देखो यहां पर कैंडल अगर सपोर्ट पर है, इसके ऊपर चलेगी या नहीं? जाना पड़ेगा, अब बताओ, जाना पड़ेगा तभी तो सपोर्ट माना जाएगा, नहीं तो सपोर्ट मानेंगे कैसे उसको? सपोर्ट मानने के लिए सपोर्ट होना भी तो चाहिए। यस, दोस्ती निभाने के लिए दोस्त होना चाहिए कि नहीं, क्या बोलते हैं? ऐसे ही सपोर्ट होने के लिए सपोर्ट मिलना भी चाहिए और सपोर्ट प्रूफ होना चाहिए। राइट, आपके दोस्त होते हैं, दोस्त में सर्किल होते हैं। देखो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, आपका देखो ये सर्किल होते हैं दोस्तों के, आपको भी पता होगा ये सर्किल होते हैं। ये बाहर वाले दोस्तों से क्या करते हो, आप केवल हाय हेलो करते हो, राइट, इससे ज्यादा कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन जो इनर सर्किल वाले होते हैं उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, दिल की या नहीं? राइट है, ये वाले दोस्त एक या दो ही होते हैं, ऐसा होता है ना? सेम केस, आपके पास जब यहां पर आते हो कोई सपोर्ट मार्केट लेगा तो कुछ अपने सिम्टम बनाएगा जो कि इनर सिम्टम होते हैं, और वो सिम्टम कौन से होते हैं? मार्केट यहां पर रुकेगा, प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाएगा, कोई ऐसा सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कुछ ऐसा काम करेगा एन वे बना के, कुछ तो करेगा ना यहाँ पर सपोर्ट पे, या नहीं? बताओ क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे, आप लोग ही बताओ कि ये कर रहा है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे, क्या कर रहा है? यस, जल्दी से बताएं क्या देखने को मिल रहा है? साइडवेज, क्या मार्केट गया है अभी बाय में? नहीं सर, बाइंग प्रेशर बन रहा है। सपोर्ट अब सबसे पहले कहां टकराएगा? देखो एक मिनट के कैंडल पे बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर टकराएगा या नहीं? यस सर, सबसे पहले वहीं पर टकराएगा, तो मार्केट का क्या होगा जरा बताएं? नीचे आएगा, एनवे बनाने, नीचे आएगा, राइट है, नीचे आएगा एनवे बनाने के लिए। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट यहां पर क्या करेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट यहां पर रिएक्शन क्या देता है। अगर मार्केट ने इसको क्रॉस किया, इस लेवल को क्रॉस किया, तो मार्केट के लो का सपोर्ट मिल जाएगा इसको या नहीं? Yes, लो का सपोर्ट मिल जाएगा, ये मानते हैं, राइट है, इस लो का, और फिर मार्केट इसके बीच में घूम के तब इसके ऊपर निकल सकता है या नहीं? तो कम से कम इसका सपोर्ट तो मार्केट को लेना ही पड़ेगा या नहीं, बताओ? अभी जाना ही पड़ेगा। अब ये लेवल कौन सा है, यहां पर मार्किंग करें तो कम से कम मार्केट को इस लेवल के बीच में घूमना पड़ेगा। कौन सा लेवल? ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये वाला लेवल, इसके बीच में घूमना पड़ेगा, राइट है। मैंने स्टॉक को हटाया नहीं है, देखो मेरे स्टॉक वहीं के वहीं चल रहे हैं, लॉस में थे तब भी, फायदे में है तब भी, मैं अपने स्टॉक को नहीं हटा रहा हूं, इसको निकालूंगा अभी पॉजिटिव में, राइट, अभी देखिएगा निकलेगा भी सारा पॉजिटिव में, राइट है। अब चलते हैं मार्केट में, मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किस रीजन में आना चाहिए, इस रीजन में आना चाहिए या नहीं? राइट है, क्योंकि एन वेव का लो है, इस रीजन के अंदर मार्केट को बैठना चाहिए, तो एक कैंडल यहां क्लोज होनी चाहिए या नहीं ऊपर चलने के लिए? यस या नो? यस सर, होना चाहिए। आप देखते हैं मार्केट यहाँ करता क्या है, वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर करेगा सर, क्या उसी पॉइंट पे कन्वर्जन, हाँ मैंने कन्वर्जन लाइन चेक नहीं की, उसी को लगाया नहीं मैंने, तो मार्केट किसके ऊपर जाना चाहिए, इसके ऊपर जाके बैठना चाहिए, तब मेरा एक प्राइस एक्शन डेवलप होगा यहाँ पर। अभी प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ, अभी देखो ऊपर चल रहा है मार्केट, ऊपर चल रहा है और इसके अंदर बैठेगा जाके कहीं पर भी, और अगर इसके अंदर मार्केट को एनवे बनानी है तो इसके अंदर बनाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा या नहीं ब्रेकआउट करने के लिए? यहां भी बना सकता है, यहां भी बना सकता है, यहां भी बना ले तो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसके अंदर बनाए तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा। अगर इसके अंदर बना आपका वेव तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। अब देखो मार्केट यहां से रिजेक्शन ले सकता है या नहीं? यस, क्या मार्केट का रिजेक्शन हो सकता है यहां पर? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट यहां पर करेगा क्या।
थोड़ा सा वेट करें, वेट करेंगे तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। मार्केट क्या ऊपर चला गया, देखो क्या ट्राई कर रहा है, जाने का ट्राई कर रहा है ना, जाने अभी गया नहीं है। मार्केट यहां से रिजेक्शन ले सकता है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ रिजेक्शन मिल सकता है यहां से, लेकिन रिजेक्शन मिलने के लिए तैयारी क्या होनी चाहिए समझो। रिजेक्शन पॉजिटिव कैसे होगा, ये मार्केट अगर रिजेक्शन लेता भी है तो यहां से ऐसे ऊपर चल देना चाहिए कि नहीं, एंड वेव चल देनी चाहिए, या फिर मार्केट यहीं पर ही एक दो बार साइडवेज बनाएगा फिर ऊपर चला जाए, दोनों केस हो सकते हैं या नहीं, दोनों केस में आप वर्क कर सकते हो। तो वेट करते हैं मार्केट यहां पर करता क्या है, थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। अभी ना तो मार्केट बाय में ना सेल में, लेकिन बाय का ट्राई कर रहा है कि नहीं, देखो नहीं जा रहे उसके ऊपर, एक वेव नीचे की बना सकता है क्या मार्केट, बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन किससे नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, अभी भी बता दे किससे नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, तो लो के नीचे, लो के नीचे जाना नहीं चाहिए मार्केट को, यहीं पर साइडवेज बना के अगर ऊपर चलना है तो इस लो को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं मार्केट क्या करता है, ये देखो मार्केट फिर से नीचे आया, फिर वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप एक मिनट के टाइम फ्रेम में अपने क्लाउड को ले आते हो साथ में, तो क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं, क्या क्लाउड बाय में आ गया अभी, देखें जरा, नहीं सर, एक मिनट, नहीं सर, नहीं है, क्या कमी है क्लाउड में प्लीज बता दे कोई भी, कमी क्या है क्लाउड में सर, दोनों लाइन दूर है, स्पेन भी दूर है और मार्केट ने कोई सब क्या चार नंबर का बाय आ गया, क्या चार नंबर का बाय आ गया, नहीं क्रॉसओवर नहीं है, तो क्रॉसओवर तक भी नहीं है, तो क्या मेरी बाय बनती है, नहीं। अब जरा दूसरा पॉइंट बताएं, क्या मार्केट का अगर ये देखो एनवे बनती आ रही है, ये एनवे बनती आ रही है, मार्केट ने एक एनवे भी अपनी डेवलप कर ली अपनी, इसके ऊपर बाय निकलेगा ना जी सर। अब इसके ऊपर यहां पर से चेक करें, ये इसके ऊपर बाय देगा आपकी बार, मतलब बेस लाइन के ऊपर आपका अगर मार्केट जाएगा तो मार्केट अपना यहां से बाय पकड़ेगा, हम वेट कर रहे हैं कि बेस लाइन के मार्केट ऊपर आ जाए, अभी आया नहीं है। देखें क्या मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यस और नो, क्या मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ले रहा है, क्या ऊपर चलना चाहिए मार्केट को, यस सर, यस सर, चलना चाहिए, क्या मार्केट गया ऊपर, अब ये बताएं, नहीं अभी नहीं, इसके ऊपर जाना चाहिए या नहीं मार्केट को, प्राइस एक्शन ये बोलता है कि किसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, राइट है, अगर मार्केट उसके ऊपर जाएगा तो मार्केट आराम से चल पाएगा, यही तो बोल रहा है मार्केट, देखिए अभी आया नहीं है मार्केट, बाय में नहीं चला, लेकिन अब कन्वर्जन लाइन के ऊपर सपोर्ट पर है, तो मार्केट क्या अपना प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मार्केट क्या अपना प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, यस सर, थर्ड वेव पे काम कर रहा है, यस सर, थर्ड वेव पे काम कर रहा है, ये थर्ड वेव ऊपर जानी चाहिए या नहीं, जानी चाहिए सर, जानी चाहिए आपके पास, अगर जाएगी थर्ड वेव तो ऊपर तो आपको फायदा होगा, मार्केट आराम से ऊपर चल पाएगा, लेकिन अभी गया नहीं है मार्केट, अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी गया नहीं है, और हम मैंने अपने स्टॉक रखे हुए, मैंने अपने स्टॉक हटाए नहीं है, ये ऑर्डर में हटा दे दूं, देखिए किसी काम के लिए ऑर्डर, राइट है, इसको भी मैं हटा देता हूं, अभी देखो मेरा स्टॉक चल ही रहा है, मैंने अपने स्टॉक को भी हटाया नहीं है, वही पड़ा हुआ है, राइट है, और मेरी क्वांटिटी है विप्रो, मैंने हटा दिया, ज्यादा टाइम तक रखना नहीं है उसको, छोड़ दिया मैंने इसको, ठीक है, क्यों उस स्टॉक को जो आपको टेंशन है ना उसे हटा दिया करो, छोटा मोटा लॉस टेंशन मत लिया करो, हटाओ क्यों, पूरे इतने दिन चार दिन उसको रख के बैठे रहना है, ठीक है, उससे अच्छा प्रॉफिट तो मेरे को इसी में मिल जाएगा कि नहीं, आप बताओ, उससे अच्छा प्रॉफिट तो मैं इसी में ले लूंगा, तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं इसके साथ में, बताए कोई जरूरत है जबरदस्ती करने की, नहीं है, पॉइंट समझे, कोशिश ये करनी है कि आपका देखो मार्केट अगर इसके ऊपर आया तो मार्केट क्या एक एक मिनट में बाय के लिए कैंडिडेट कैंडल बनाएगा क्या, अगर उसके ऊपर चलता है, गया नहीं है मार्केट अभी, अभी वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, मार्केट करता क्या, नीचे हमारा एक सपोर्ट लेवल है जहां पर मेरे को कुछ और बाय करने, लेकिन मार्केट इस समय क्या कर रहा है, इस समय मार्केट देखो अपने यहां पर से ये वेव है, ये डाउन की वेव है, मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए और मार्केट यहीं पर ही कहीं साइडवेज बना के इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाना चाहिए, यही तो रूल है, रूल बुक ही यही है,
तो अब करना क्या चाहिए मार्केट को, देखते हैं क्या मार्केट वहां से ऊपर चलता है या नहीं चलता है। लेकिन अगर वहां से ऊपर आया तो मार्केट बाय में चला जाएगा कि नहीं, क्या दिखा मार्केट का बाय? यस क्या दिख रहा है मार्केट का बाय? जरा प्लीज बता दें। यस क्या मार्केट का बाय आ गया? अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया ऊपर। बाय में टाइम है अभी या नहीं है? टाइम है, टाइम है थोड़ा, टाइम है। लेकिन क्या मार्केट ने अपना एक प्राइस एक्शन डेवलप कर दिया मेरे को ये बता? यस सर, यस सर, प्राइस एक्शन डेवलप हो गया, राइट है। अब मार्केट को इसके ऊपर देखो, छोटा सा प्राइस एक्शन डेवलप किया, हालांकि एक मिनट का है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम का है, लेकिन प्राइस एक्शन डेवलप हुआ। इसके ऊपर मार्केट का एक बाय बनता है कि नहीं? ये लो ये हाई, इसके ऊपर एक बाय बनता है। अब देखते हैं उसके ऊपर कितना बाय मार्केट लेता है और किस लेवल तक ऊपर जाता है। ये लेवल है, क्रॉसओवर आ गया क्या? अभी नहीं आया। कमी बताएं इस पूरे ट्रेड के अंदर, कमी क्या है? यस, इस ट्रेड में कमी क्या है मुझे बता दें। बिल्कुल, इसमें कमी ढूंढ ले, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहां पर बाय आने वाली है। अभी कमी क्या है इसमें? बहुत बड़ी कमी है, पूरे ट्रेड के अंदर कमी है। सर दोनों लाइन क्लाउड से दूर है, दोनों लाइन क्लाउड से भी दूर है, राइट है। मार्केट की बाय चलनी चाहिए या नहीं बताओ? चलेगी सर, चलनी चाहिए सर, चलेगी। क्लाउड तक जाएगी सर, अभी जानी चाहिए जी सर, या नहीं जानी चाहिए ऊपर? जानी चाहिए सर, जानी चाहिए। अब देखते हैं कहां तक जाती है। अब बाय शुरू हुई है, कोई अलग से इंडिकेटर नहीं है, इसी पर हम बाय ढूंढ रहे हैं। बाय शुरू हुई है अभी, अब बाय कितनी जाएगी इसको भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि कितनी तक बाय जाएगी। बाय ली है तो पता नहीं कितनी तक जाएगी, राइट? आपने दुश्मनी निकाली तो पता नहीं कहां तक जाएगी, राइट? दुश्मनी करी है तो पता नहीं कहां तक जाएगी, राइट? अब अगर ये क्लाउड से ऊपर निकल गया तो क्या होगा आप बताएं? क्लाउड से ऊपर गया तो क्या होगा? सर नंबर वन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी सर, नंबर वन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब देखें क्या हमारा मार्केट में हमने गलत ट्रेड उठाया था क्या? नहीं सर, सही चल रहा है, कोई गलत नहीं था, राइट है। मेरी डायरेक्शन कौन सी थी प्लीज बताएं? मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव ही थी या नहीं बताओ? नेगेटिव तो नहीं गया मैं? नहीं, मैं पॉजिटिव ही था, क्योंकि मार्केट में मेरे को पता है मार्केट पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव ही मूड से चलूंगा, मैं नेगेटिव मूड में नहीं जाऊंगा। अभी मार्केट कहां तक ऊपर जा सकता है, अब इसको पकड़े। देखो मैनेज किया, अगर आपने एक बात ध्यान दी है, थोड़ी सी बात ध्यान दी है, तो मार्केट जब नीचे आया तो मैंने मैनेज किया सारे ट्रेड को या नहीं? यस सर, सारे ऑप्शंस को मैंने मैनेज किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत खास बात है कि ऑप्शन मैनेज हुआ है, और मैनेज करने के बाद लॉस में भी गया था कि नहीं? मैं अपना 2000 के आसपास बुक कर सकता था पहले भी या नहीं? नहीं किया। फिर लॉस में भी बुक कर सकता था मैं या नहीं? नहीं किया। उसके बाद प्रॉफिट में भी बुक कर सकता हूं कि नहीं, राइट है? पर ये क्लास है, ये क्लास है, इसमें मैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बैठा हूं, राइट है? यहां पर मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं, जो सही होगा मैं वो करूंगा। अगर वो लॉस में जा रहा है तो मैं लॉस भी दिखाऊंगा, प्रॉफिट जा रहा है प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। जब सही टाइम होगा तो हम उसको प्रॉफिट बुक भी करेंगे। देखो 75 क्वांटिटी थी, उसमें से दो लॉट मैंने बुक कर लिए कि नहीं? कर चुका हूं, राइट है। तो अब 45 में से एक लॉट कहां पर बुक होगा इसको भी समझो। मैंने कहां पर इसका लॉट लगा रखा है, देखो कहां पर लग रखा है? यस 600 पे इसका लॉट लगा हुआ है, 85 चल रहा है। अगर ये 600 जाएगा तो एक लॉट को और काटेगा, और चाहो तो एक लॉट और भी लगा के रख सकते हो। सडन ऊपर मूव करेगा ये, तो 615 पे मैं एक लॉट और लगा देता हूँ, 615 पे मैं एक लॉट को और लगा देता हूँ, जिससे हमारा टारगेट पूरा हो जाए, बाकी चलने देंगे। देखो ये चल रहा है, अभी हमने इसका कुछ भी नहीं किया। बैंक निफ्टी पे वापिस आ जाए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है अभी? अभी देखिए क्या आपका क्लाउड सही हो गया? नहीं सर, क्लाउड सही दीवा क्या? चेकआउट पेन सही हो गई? चेकआउट पेन की कंडीशन क्या है प्लीज बताएं कोई? बेसलाइन में क्रॉस नहीं, चेकआउट पेन की कंडीशन क्या हो रही है? तभी क्लाउड के नीचे है सर, क्लाउड के नीचे है।
बाय आ सकती है या नहीं? नहीं सर। बाय बन सकती है क्या? यस सर। या नहीं? अभी बेसलाइन को भी क्रॉस करेगी ना सर ये? बेसलाइन को भी क्रॉस करेगी, अभी तो टाइम है इसके पास बहुत सारा, अभी तो ऊपर जाना है इसे, ये तो आपको दिख रही है। अच्छा देखो, एक मिनट में लग रहा है ना बहुत बड़ी बाय आ चुकी है। अब थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, अब थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जरा यहां से चेक करो पांच मिनट में कितनी बाय आई आप बताओ जरा सा, किसका ना मार्केट राइट है? एक घंटे में कितना किसका मार्केट जरा देखें, एक घंटे में क्या दिखाई दे रहा है सब प्लीज बता दे, क्या दिखाई दे रहा है घंटे भर में? मार्केट कहां पर सपोर्ट लेने आया था? मार्केट कहां पर सपोर्ट लेने आया? कन्वर्जन लाइन सही जा रहा है वापस या मार्केट या नहीं? जी सर सही जा रहा है। अब मार्केट का बाय कहां से शुरू होगा, इसके ऊपर या बोलो इस लेवल के ऊपर, क्लाउड के ऊपर बाय होगा या नहीं होगा? सर ये सपोर्ट जो लिया है ये क्लाउड के एंड पे लिया है या दोनों बोल सकते हो? दोनों बोल सकते हो। असल में अगर दोनों, अगर ये कन्वर्जन लाइन होती नीचे कहीं होती तो इसका सपोर्ट लेना नहीं से बहुत मुश्किल पड़ता इसका। अगर ये एक बार समझे, अगर कन्वर्जन लाइन यहां होती ना तो क्लाउड का सपोर्ट लेना बहुत मुश्किल पड़ता, ये कन्वर्जन लाइन पे आ जाता। क्लाउड का सपोर्ट क्यों लिया बताओ? क्यों लिया? क्योंकि कन्वर्जन लाइन यहां पर है ना। Yes, समझ रहे? इसलिए क्लाउड का सपोर्ट मिला है, दोनों वहां पर मिली है, नहीं तो ये सपोर्ट नहीं मिलना था। अब बाय किसके ऊपर आना है, इसके ऊपर बाय है या नहीं बताओ? यस सर। राइट है, मिनिमम इसके ऊपर बाय या क्लाउड के ऊपर आपका बाय जाना है। तो अगर मैं इसको पांच मिनट के कैंडल पे मार्क करता हूं तो मार्केट देखो कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर आ गया। आगे सर आगे। अब मार्केट को करना क्या चाहिए, यहां से ऊपर चल के इसके ऊपर शाम तक निकल जाना चाहिए या नहीं? शाम तक अभी नहीं निकलेगा, अभी हम सोचेंगे कि मार्केट अभी का अभी चले जाए, अभी नहीं करेगा, मार्केट जाएगा शाम तक इसके ऊपर दो तीन चार घंटे में। कितना टाइम ले सकता है बताएं मार्केट ऊपर जाने में? अभी भी जा सकता है एक कैंडल में भी, एक कैंडल में भी शूट कर सकता है, या फिर पूरे दिन यही घूम सकता है कि नहीं? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन मार्केट सपोर्ट पर आके बैठा कि नहीं बैठा पहले तो ये बताएं। आ गया सपोर्ट पर आ गया, अगर इस जगह पर एक मिनट में देखते हो, देखो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जरा चेक करना, यहां पर आपका आ गया मार्केट पांच मिनट में, ध्यान से चेक करो ये सपोर्ट आया और एक मिनट में क्या मार्केट क्लाउड के बाहर निकलने की तैयारी में है, जरा इसको चेक करना क्या दिखाई दे रहा है एक मिनट में क्लाउड के अंदर जाने की तैयारी सर, अंदर जाने की तैयारी में। तो मार्केट एक बाय पकड़ने की तैयारी में, मार्केट का एक अच्छा बाय हो सकता है अगर मार्केट ने अभी घंटे भर में, एक बात का और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने घंटे भर में इसको क्रॉस कर लिया तो एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है। राइट है, ये भी टाइम का मैनेजमेंट है। हाँ जी सर, घंटे भर में बेसलाइन क्लाउड से बहुत दूर है तो सर ये क्या साइडवेज अभी बना के मतलब बेसलाइन को क्लाउड में लेने के लिए कर सकता है लेकिन अगर मार्केट में एक बात का ध्यान रखना, अगर मार्केट सपोर्ट पकड़ लेना, अगर ये बड़ी रैली होती ना, अगर देखो ये होती बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली करके मार्केट नीचे आया था तो ये साइडवेज बना के बहुत देर में ऊपर जाता, लेकिन ये बहुत छोटी रैली है कि नहीं है? यस छोटी रैली है, तो यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इसके, अगर मार्केट को साइडवेज बनाने में पता है कहां बनाएगा, ये जो हाई दिख रहा है आपको हाई के आसपास या साइडवेज बनाएगा मार्केट। ठीक है, ये भी एक छोटे छोटे पॉइंट है, बाद में करते करते आपको आ जाएंगे। देखो यहां पर क्या हो रहा है क्लाउड में, जरा देख के बताएं क्या हो रहा है, क्या मार्केट बाय में चला गया? लेकिन क्या क्लाउड क्लोज होने चला गया? सर बनना शुरू हो गया, सर हो गया क्लाउड ग्रीन होना शुरू हो गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं? कंडीशन क्या है? यस सर, बाय का सिम्टम एक और बन गया सर। बाय के सिम्टम बन गए तो क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? अब जी सर बिल्कुल जा सकता है, तो हम क्या अभी मार्केट में और बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस सर, एक अच्छी बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, अभी हम थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो मार्केट हमें एक अच्छी बाय और दे सकता है। वेट करते हैं मार्केट करेगा क्या, अभी गया नहीं है,
हो सकता है बीच में मार्केट साइडवेज बना ले, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है अगर बनाएगा तो, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट को रैली बहुत छोटी है तो मार्केट अपने हाई के आसपास अपना साइडवेज मार्केट डेवलप करना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट करता क्या, अभी वेट करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं मार्केट यहाँ पर करेगा क्या। कन्वर्जन बेसलाइन दोनों के ऊपर मार्केट बैठा है, अपने पिवट के ऊपर बैठा है, बाय के सिम्टम है, मार्केट ऊपर जा सकता है आराम से। अगर मैं एक मिनट में देखता हूँ तो कमी क्या है, अभी पूरे ट्रेड में कमी क्या है, बेसलाइन बाहर है ना। अब आगे दो चार मिनट में मार्केट में बेसलाइन अंदर एंटर करेगी तो मार्केट का एक बाय डेवलप हो जाएगा कि यस, क्या बाय डेवलप हो जाएगा मार्केट का? यस सर, यस सर, जाएगा बाय तो देखने को मिल सकता है, राइट है। तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट करता क्या है, यहाँ पर वेट करें थोड़ा सा। अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू हुआ तो मार्केट आपको एक बाय देगा, बाय अच्छे से देखे जाएगा और ऊपर की तरफ एक बड़ी बाय भी दिखा सकता है। लेकिन कब होगा, जब मार्केट एक मिनट के क्लाउड के ऊपर निकल जाएगा तब आपके पास एक अच्छी बाय डेवलप होनी शुरू होगी। अभी नहीं, अभी तो आप रिस्की बाय पे काम कर रहे हो। यस या नो बताओ, रूल के मुताबिक बाय कहाँ पर है, किसकी बाय कहाँ पर है रूल के मुताबिक, ओपन के ऊपर है या नहीं है बताओ? यस सर, यस, इसकी बाय तो रूल के मुताबिक ओपन के ऊपर ही है। इस समय अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मैं रिस्की बाय कर रहा हूं कि नहीं? बाय तो यहां बैठी है, मैं तो रिस्की बाय कर रहा हूं इस समय, ठीक है। अगर मैं इसमें मार्किंग भी कर देता हूं तो मेरी बाय कब आती है, अगर आप ध्यान दोगे तो मेरी बाय बनती है इसके ऊपर, जब भी मार्केट जाएगा उसके ऊपर मेरी बाय है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप चेक करो मेरी बाय कहां पर, ऊपर दिखा दी रही है, अभी रिफ्रेश में आएगा नहीं है, पर कोई इश्यू नहीं है, मेरी बाय इसके ऊपर बनती है, राइट। दिख रहा है आपको कितना डिस्टेंस है अभी बाय में, बाय में कितना डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है या नहीं है? यस सर, बहुत डिस्टेंस है अभी। तो अभी टाइम लेगा मार्केट अपना बाय उठाने में, एकदम से बाय में नहीं जाएगा, थोड़ा सा वेट करेगा मार्केट और उसके बाद तेजी से शूट कर सकता है मार्केट। ध्यान रखना, अगर अभी कितने बजे, अभी बज के 10:10, अगर मार्केट मैक्सिमम 11 बजे तक भी अपने हाई के ऊपर निकल जाएगा तो बाय बना देगा, 11 बजे तक भी अगर हाई के ऊपर निकल जाता है तो भी बाय बना देगा, इस बात का ध्यान रखना। मार्केट पेज शूट हो सकता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे पहले से, लेकिन ऐसा मत करना कि बहुत बड़ी क्वांटिटी आप बाय कर लो। जब कभी भी रैली के अंदर एंटर करना है तो छोटी सी क्वांटिटी से एंटर करना है या नहीं, राइट। छोटी सी क्वांटिटी से बड़े मूव लो, बड़े प्रॉफिट लो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, बजाएं आप बड़ी क्वांटिटी करके और फिर बाद में लॉस में बैठे रहो, वो नहीं करना। वेट करना है मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, थोड़ा सा वेट करें, मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, अपना कोई साइडवेज बनाएगा और फिर ऊपर चलेगा। देखो एक मिनट मार्केट क्या कर सकता है, बेसलाइन बाहर है या नहीं, क्या कर सकता है मार्केट जरा बता दे, अगर बेसलाइन बाहर है साइडवेज बनाएगा, साइडवेज बना सकता है, नीचे फिर ऊपर जा सकता है, राइट है। इसका सपोर्ट कहां पर बन सकता है 5 मिनट का, ये सपोर्ट नीचे है या नहीं है, वहां तक आ सकता है मार्केट या नहीं आ सकता है वहां से मार्केट, राइट है। तो वहां तक अगर मार्केट आएगा तो फिर मार्केट वहां से फिर ऊपर चलेगा। अब देखो दोबारा से क्या होना चाहिए, अगर साइडवेज बनाएगा तो वापस इसके ऊपर जाना चाहिए या नहीं, एक मिनट में बाय के लिए, अगर मार्केट ऊपर चलेगा फिर से उसके ऊपर चलना चाहिए, क्या मार्केट जा रहा है उसके ऊपर अभी नहीं, वेट करना चाहिए हमें या नहीं बताओ अभी? यस सर, वेट, ये एंट्री कर लेनी चाहिए, वेट करना चाहिए, आराम से वेट करें और देखें मार्केट कर क्या रहा है। जहां पर भी मार्केट ऊपर चलेगा तो अब मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो बेस लाइन को एंटर अंदर होना पड़ेगा, अगले मिनट में बेस लाइन एंटर होगी या नहीं, राइट। अगले मिनट में बेस लाइन अंदर एंटर हो जाएगी, इसका मतलब अगले मिनट में मार्केट शायद ऊपर चलना शुरू करेगा। वेट करते हैं, अभी 10:12 हो रहे हैं, 1 घंटे की भी नई कैंडल बनने वाली है, 1 घंटे की भी नई कैंडल बनने वाली है और 1 मिनट को इसके ऊपर चलना चाहिए। 1 मिनट का वेट करते हैं, क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाता है या नहीं जाता है। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी एनहेंस हो सकती है, थोड़ी सी इंप्रूव होगी आपकी ट्रेडिंग और आप ट्रेडिंग में आगे जा पाएंगे। अभी होना क्या चाहिए इस समय, अगर 5 मिनट का बाय निकलता है तो 5 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं बताओ? यस सर, यस सर, 5 मिनट की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए या नहीं बताओ? होनी चाहिए, राइट।
अगर नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो हम अभी क्या बाय में जा सकते हैं? जल्दी बताए। नहीं सर, नहीं, नहीं जा पाएंगे। हमने क्या वेट किया? हमने वेट किया कि मार्केट इसके ऊपर चले जाए। इसके ऊपर जा चुका मार्केट, अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, ट्रेड मैंने हटाया नहीं है, ट्रेड वहीं का वहीं चल रहा है, चल रहा है, ट्रेड को मैंने हटाया नहीं, ट्रेड ने हमें पैसे भी दे रखे हैं अपने, जो हमारे पैसे थे वो हमें मिल रखे हैं। लेकिन बताओ हमने पूरा ऑप्शन शांति से बैठ के किया कि नहीं? ऑप्शन मैंने पूरा शांति से बैठ के करा है। लेकिन अब ऑप्शन कब आपको पैसा देगा? जब आपका ऑप्शन इसके बाहर निकलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी इसके बाहर निकलेंगे, तब आपका मूव लेंगे अच्छा खासा या नहीं? अभी तो हम रिस्की ट्रेड उठा रहे हैं सारे, सेफ ट्रेड में तो हम गए नहीं अभी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये टारगेट इसका मिलेगा अभी, पहला एक मिनट का टारगेट अचीव होगा। एक और निकाल गया ये, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर चलेगा। तो अब हमारा एक ही लॉट रह गया, उसने टारगेट पकड़ लिया। अब हमारा कितना हो गया? ये हो गया 2900 रुपए, राइट है? तो हम अपने टारगेट के आसपास पहुंच गए या नहीं बताओ? पहुंच गए, सप्लाई भी चल रहा है, तो हमने अपना टारगेट भी पकड़ लिया। समझ में आया या नहीं आया बताओ? आया समझ में? ठीक है, ट्रेड करना आया समझ में, कब ट्रेड करने और कब नहीं करने है? आप ये पूछ रहे थे, बताए पूछ रहे थे आप? यस सर। कोई यस, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो मैंने हटा दिया है, इसको हटा दिया, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना प्रॉफिट बुक किया है? हमारा प्रॉफिट आया है अराउंड 2851, मतलब 2800 रुपए का हमने प्रॉफिट बुक किया। बहुत है राइट, ज्यादा नहीं, जो मिल जाए वो अच्छा है, जबरदस्ती मत करें, जो मिल जाए वो अच्छा है, राइट है। चलो मैं ट्रेडिंग को यहाँ पर रोकता हूँ। मेरे ख्याल से लाइव ट्रेडिंग आपकी समझ में आ रही होगी, आपके हेल्पफुल भी है, राइट? हेल्पफुल भी आपकी होती होगी, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट है? बस प्रैक्टिस करते रहें। और ये जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे फिर, राइट? थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।